सऊदी अरब की जेल से 10 साल की सजा काटकर लौटे जिहादी अब्दुल अजीज उर्फ किद्दा ने माना है कि भारत के मुसलमान अच्छी हालात में हैं। उसने कहा था कि भारत में हमलों की जरूरत नहीं है क्योंकि वहां के मुसलमानों की हालत काफ़ी अच्छी है। गौर हो कि अब्दुल अजीज उर्फ गिद्दा एक दशक पहले आंध्र प्रदेश में ब्लास्ट की साजिश रचने का आरोपी है। सऊदी अरब ने 10 साल की जेल काटने के बाद इस महीने की शुरुआत में उसे भारत भेज दिया। वह वहां देश की पूर्वी हिस्से में तेल प्रतिष्ठानों को उड़ाने की योजना सहित अन्य आतंकी गतिविधियों में शामिल था। अब्दुल को 2005 में सऊदी अरब में गिरफ्तार किया गया था। उस दौरान वह इराक से जिद्दा जाकर अमरीकी बलों से लड़ने की योजना बना रहा था। वह जुलाई 2005 में गल्फ एयरबेस फ्लाइट से ढाका से जिद्दा गया था। वहां जाकर एक पाकिस्तानी शकील के घर में रुका था। वह बोस्निया और चेचन्या के सीमावर्ती इलाकों में लड़ रहा था। अजीज अगली जिद्दादी कार्रवाई को लेकर जिद्दा निकलने की योजना पर काम कर रहा था, तभी उसे सऊदी सुरक्षा बलों ने हिरासत में ले लिया। उसे 8 साल की सजा मिली लेकिन 10 सालों तक वह जेल में रहा। इसके लिए सऊदी सरकार ने उसे हर्जाना भी दिया। इसके बाद सऊदी अरब ने 2 फरवरी को उसे भारत भेज दिया। बता दें कि अजीज को भारत के मुकाबले बोस्निया और चेचन्या में जिहाद के लिए तैयार किया गया था।